राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है, उनके लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है और परेशानियां उनका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ रही है। और वो इसलिए कि जब से कांग्रेस ने जो फॉर्मूला दिया है कि एक नेता एक पद, उसके बाद से सचिन पायलट का जो गुट है वो उनको पावरफुल अशोक गहलोत को लग रहा है। सचिन पायलट का गुट एकदम मजबूत नजर आ रहा है और अशोक गहलोत गुट कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके जो मंत्री है वे कई पदों पर बने हुए हैं। अगर कांग्रेस ये लागू कर देती है, अगर कांग्रेस पार्टी एक नेता एक पद का फॉर्मूला लागू कर देती है तो अशोक गहलोत के कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है और सचिन पायलट यहाँ पर पावरफुल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि अशोक गहलोत की लगातार परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही राजस्थान की बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होने वाला है। सोनिया गांधी से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की और उसके बाद सचिन पायलट ने मुलाकात की। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ भी बैठक हुई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में राजस्थान में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या राजस्थान से अशोक गहलोत का पत्ता कटने वाला है? क्या सचिन पायलट का चेहरा सजने वाला है? क्या सचिन पायलट का सपना पूरा होने वाला है? क्या राजस्थान में भी पंजाब में जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ वैसा कुछ अशोक गहलोत के साथ भी होने वाला है? सवाल छोटा है लेकिन बहुत ही गंभीर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर चल चुकी है जहां पर बीजेपी की पार्टी भी चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन मुलाकातों के बाद क्या कुछ होता है, क्या अशोक गहलोत को लेकर कुछ बड़ा फैसला होता है या सचिन पायलट को लेकर उनका सपना राजस्थान में सीएम का पूरा होता है या नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।